पेज नंबर A 119 भारतीय भवन किताब है, क्लास 10, प्रश्नवाली 3C। प्रश्न नंबर 8, 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है, तो को गुणजों को निर्धारित करें। तो इसको हल करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं। माना कि 3 के पहला गुणज, यहाँ प्रथम भी लिख सकते हैं, माना कि 3 का पहला गुणज बराबर x, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा गुणज गुणज बराबर x प्लस 3। प्रश्न से 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल, मतलब गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना है दोनों को आपस में, तो गुणा कर दीजिए, या गुणा छुपा हुआ रहता है, बराबर है 180 के, बराबर है 180 के, 180। तो इसको हल करेंगे, x गुने x तो x स्क्वायर, और x गुने 3 3x, इधर प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 180 बराबर 0। अब हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसका गुणनखंड करने। अब देखिए यहाँ 180 है, तो 180 का गुणनखंड करेंगे 2 से 90, 2 से 45, 5 से 9। अब हम लोग यहाँ सेटिंग करेंगे, जोड़ के आना चाहिए कितना, या घटा के आना चाहिए 3x, जोड़ या घटा कर आना चाहिए 3x, और गुना करने पर माइनस 180। अगर 5 × 10 और 10 × 20 में से 9 घटाएंगे तो नहीं आएगा, तो 9 × 18 3 × 9 और लगा देते एक बार। अब देखो 5 × 3 = 15, 2 × 2 = 5 3 3, 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6 × 12। अगर 15 में से 12 घटा देंगे तो 3x आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 15, अब माइनस 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 0। अब एक घर वाली तो एक बाहर वाली, तो घर वाली कौन है, x प्लस 15, और बाहर वाली x माइनस 12, तो x माइनस 12 और x प्लस